जब हाथ से दौरा लीना
सा सूर्य हक है।
डगमग चाडरे मन बोरा डगमग चाडरे चाडरे मन
जगत बिगुता कह कबीर राजा राम ना छोड़ा सगल तो जरे
धमक सार रे
जन के चरण सेव रही रे संग पुनीता देवी जन की तूर दे हो कृपानित नानक के सुख देही जन की तूर दे हो कृपानित तन जियो तेह को जग में मुक्ति हर चित में जद विचार देह अनित ननित रहे जस नाव चढ़े पव सागर तारे तन जियो तेह को जग में मुक्ति हर चित में जद विचार तन जियो तेह को जग में मुक्ति हर चित में जद विचार तन जियो देह को जग में भुक्ते हर चित में जद विचार देह अनित ननित रहे रस नाव चढ़े पव सागर तार तन जियो तेह
ਚਵਰ ਸ਼ਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਜਗ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਪਤਾਹਿਕ ਦਾ, ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਿਵਸ ਦਾ, ਜੋ June 1984 ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਵਲੂੰਦਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜੋ ਹਨ ਮਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤੇ ਮੋਚਾਏ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰ ਸਾਇਥਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਅਧਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਾਜ ਗੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਰਕ ਰੱਖੋ, 2-3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਮਗਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀਪਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪੋ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਈ ਫਰਕਾਤ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਚਾੜਨੇ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ 10 ਤੋਂ 1, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ
आई संगत बारे सब विचारां बाद होणगी आख्या बख्शो महापुरखां नूं बेनती करां वह अपनी रसना चो पावन पुत्र इस रसना चो गुरु इतिहास गुरु दीआं जीवनियां ते महापुरखां ते शहीदां दीआं कीतीआं कुरबानियां नूं याद कराउण महापुरख संत ग्यानी हरनाम सिंह जी खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पद पंकज बंदन पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्याबो गुर हृदय त्याबो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुर हर कृष्ण मनाए बहो तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तरों तरा पर पुन पुन सी पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच बिकार तिन संतन का वंदना सिर चरणन पर तार एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच हो वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जैत सिंगारू जोग सिख भारी जोदा बड़े निरपै उपकारी जैत सिंगारू जोग सिख भारी परम सम्मान जोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डिया भागां वाले हो जिन्हां नूं गरीब नवाज दसां पातशाहियां दे पावन प्रतक स्वरूप तख्त चवर छत्र दे मालक सतगुरु
लोक परलोक दिया बख्शिशां दे दाते सतगुरु तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ करके दमदमी टकसाल दा उह महान केंद्रीय हैडक्वार्टर अस्थान गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे जिस अस्थान ते जून 84 के तीसरे घल्लूघारे दे शहीद सिंघां ने अपना जीवन इस अस्थान ते आके जथेबंदी दे विच रह के गुरमत की सिक्ख्या प्राप्त कीती और नाल नाल गुरमत दे परपक धारनी बने गुरबाणी नाम सिमरन दियां महान कमाइयां अते महान गुरु घर दियां सेवावां करके अपने जीवन नूं सफल कीता है। ये अस्थान उन्हां शहीदां दी करम भूमि है जिस अस्थान तों उन्हां नूं जीवन विच ये महान गुरमत दियां गुरसिखी दियां दातां प्राप्त होईयां गुरमत दी विद्या दी प्राप्ति होई और अज सात संग जी 5 जून दा दिहाड़ा है। 5 जून दा सारा दिन सारी रात एक भी पल ओ जोधे सिंह ओ समय रणभूमि दे अंदर जूझ रहे सन और एक पल भी कोई चैन नाल सुता नहीं किसी ने आराम नहीं किया और 24-24 घंटे लगातार जालमां दे नाल जूझते हुए शहीदियां नूं प्राप्त कर रहे हैं। सो सात संगत जी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब जी दी महान राखी करदिया होया सिख गुरधामां दी राखी करदिया होया और सिक्खी सिधांतां नूं बरकरार रखदिया होया सिख पंथ दी आन अते शान दी खातर दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी कथनी करनी दे पूरे सूरे सूर वीर महाबली जोधे अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दी अगवाई विच उन्हां दे सहयोगी अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी प्रधान आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन अमर शहीद जनरल सरदार सुबेक सिंह जी अमर शहीद जथेदार बाबा ठारा सिंह जी सात संग जी जून 84 के घल्लूघारे विच दमदमी टकसाल जथे दे सिंह 90% सिंघां ने उत्थे शहीदियां दित्तियां हन और इसी तरह आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन दे नौजवान भी अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी दी अगवाई दे विच उत्थे जूझदे होए आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन जथेबंदी दे सिंघां ने भी उत्थे शहीदियां दित्तियां। इस तरह संत बाबा शीशा सिंह जी गुरद्वारा श्री लंगर साहिब तक श्री हजूर साहिब तो उन्हां वल्लों भी आए हुए 30 तों 35 सिंह उत्थे मैदाने जंग विच जूझदे हुए शहीदियां पा गए। इस तों अलावा बब्बर खालसा जथेबंदी दे सिंह अमर शहीद भाई महंगा सिंह जी उन्हां ने भी इस घल्लूघारे दे विच अपनी शहादत दित्ती। इस तरह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जो आर सेवा कर रहे सन भावे उरागी सिंह सन भावे सेवादार सन उन्हां सिंघां ने भी उत्थे शहीदियां दित्तियां। इस तों अलावा दल पंथ
बाबा बिधी चंद जी सुर सिंह जथेबंदी दे सिंह भी उत्थे शहीद होए और इस तरह धन बाबा बिधी चंद साहिब जी की अंश बंस और बाबा बिधी चंद साहिब जी की संप्रदाय मुंडे पिंड वाले बहुत ही सन्मान योग संत बाबा अमरजीत सिंह जी मुंडे पिंड वाले उन्होंने जथे दे भी सत सिंह उस घलूघारे दे विच शहीद होए। इस तों अलावा कार सेवा श्री तरन तारण साहिब बाबा जगतार सिंह जी दे जथे दे सिंघां ने भी उत्थे अपनियां महान शहीदियां दित्तियां। जिवें वख वख जथेबंदियां दे सिंघां ने उत्थे महान शहादतां दित्तियां कुरबानियां दित्तियां उत्थे संगत दे विच्चों भी जिहड़ी बेअंत संगत उत्थे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी दे शहीदी गुरप नूं मनाउण वास्ते आए हुए सन उन्हां संगतां विच्चों बजुर्गां ने मातावां ने छोटे छोटे बच्चियां ने नौजवानां ने उन्हां ने भी अपनियां शहीदियां देना कीतियां। सो सात संगत जी इउं बहुत वड्डी उस अस्थान ते सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब विखे शहीदां दियां लासानी शहीदियां हुईयां कुरबानियां हुईयां आपां उस घलूघारे दी उस तीसरे शहीदी घलूघारे दी शहीदी वरेगंढ नूं और 36वां ए शहीदी समागम है। अज 36 साल हो गए जिहड़े बच्चे जिन्हां दे उदों जन्म होए अज उह नौजवान हन। इस करके साध संगत जी 36 साल यह शहीदी समागम आपां बड़ी श्रद्धा सत्कार नाल दमदमी टकसाल दे हैडक्वार्टर गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे हर साल की तरह सारा इलाका नगर चौंक देश विदेश दियां समुचियां संगतां वल्लों बड़ी श्रद्धा पूर्वक इत्थे मनाया जांदा है। साध संगत जी इन्हां शहीदां ने कौम दे इतिहास नूं बदलिया कौम विच एक नवी करवट पैदा हुई। इसे करके ये नारा साडे नौजवानों ने दिता सी कि भिंडरांवाला संत सिपाही जिसने सुती कौम जगाई वो संत सिपाही मरदे मुजाहद शूरबीर योधे महाबली महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरांवालिया ने दुनिया भर में जो सुती हुई कौम सी अविसले पुणे की नींद विच सारी कौम सौ चुकी सी अपने सिखी सिद्धांतों तो कौम वड्डी गिणती विच बेमुख हो चुकी सी और इन्ना विसलापन आ चुका सी कौम नूं अपनियां कदरां कीमतां सिद्धांत असूल अपना सहरी सुनहरी इतिहास अपने पुरखियां दियां कुरबानियां बाणी बाणा सब कुछ भुल चुके सन। वड्डी पद्धर ते कौम दी नौजवान पनीरी सिखी तो बेमुख हो के बैठ गई सी और साध संगत जी जे कोई नौजवान दाड़े केस वाला कालजां विच यूनीवर्सिटियां दे विच जा के पढ़ाई करदा सी तां जिहड़े नास्तक कामरेड लोक सन वह मखौलिया अंदाज दे विच उस नौजवान नूं नीवां दिखाउण वास्ते उसका मनोबल डिगण वास्ते उस नूं बाबा कह के बुलाउंदे सन अते उहदा मजाक उड़ाउंदे सन कि नौजवान साडे वांगू दस्तार ला के सिर तो केस कतल करा के दाड़ा कतल करा के साडे नाल शामिल हो जाए। इस करके तां करके बहुत वड्डा मजाक दा पात्र किसी साबत सूरत नौजवान नूं बनाया जांदा सी। साध संगत जी स्वामी सुब्रमण्यम दा जो कथन है वो किसी हद तक बड़ा सार्थक है। वो कहिंदे है कि जिस वक्त रशिया दे विच हुक्मराना ने बैठे होया ने ये गल भांप लई कि असी हिंदुस्तान ते राज करना चाहते हाँ क्योंकि कम्यूनिज्म जिहड़ा सी
ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਜੰਮ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਨੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਟੀਚਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਤਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਟੁੰਬਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਧੜਾ ਧੜ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬਲ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਖਾਲਸਾਈ ਚਾਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸਾਡਾ ਰੋੜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਜਿਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਸਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਲੀਡਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧੜਕਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ 84 ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਜਵਾਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਉਨੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ। ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੈਨ ਸੀ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਲਟ ਬਿਊਰੋ ਦਾ
जिन्ना सारा ताम जाम सी ओ सारे इस गल लई पूरे विदिद भी सन, यतनशील भी सन। उन्होंने सारी बणत बनाई और उन्होंने इत्थों तक भी परवाह नहीं कीती कि देश संतां नूं शहीद करन लई सानू श्री हरिमंदर साहब ते हमला करना पवे, अकाल तख्त साहब भी ढह ढेरी करना पवे। तो हरिमंदर साहब ते हमला कर दिओ, अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी कर दिओ, कोई परवाह नहीं। पर इहदा अंजाम इहदे नतीजे ओह लोक नहीं जाणदे सन। सुब्रमण्यम कहिंदे आ कि इंदिरा गांधी उस वक्त मैनू उहने इक वारी इह गल उहनां दिनां विच पुछी कि मैं आ कुछ करन वास्ते अपने जीवन दे विच एक मनसूबा तैयार कीता होया है, तेरी की राय है? क्यों, बड़े पढ़े लिखे हुए हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और बड़े प्रसिद्ध एडवोकेट भी हैं। एक बुद्धिजीवी होने के नाते उन्हां दी जदों राय लई गई, वो कहन लगे मैडम तेरी जिंदगी दी ए सब तो वड्डी खुनामी और गलती होएगी जेकर तू ये कदम पुटेंगी। सत संगत जी, और वो कहिंदे उस तो बाद मेरा मेल नहीं होया। और इंदिरा गांधी दी जो सतीश जैकब और मार्क टली ने इंदिरा गांधी दी अंतली लड़ाई दी पुस्तक लिखी है, उस गल उन्होंने उस पुस्तक दे विच भी ये गल लिखी है कि इंदिरा गांधी दी जिंदगी दी जे सब तो वड्डी कोई गलती सी, हिंदुस्तान दी प्रधानमंत्री दा जे सब तो वड्डा गुनाह सी, ओ उन्हें सब तो वड्डा गुनाह सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते हमला करके कीता और जिसका खमियाजा उस नूं भी भुगतना पिया, उहदे खानदान नूं भी भुगतना पिया। अज तक उहदा खानदान ओ खमियाजा भुगतदा आ रहा है क्योंकि हरिमंदर साहब ते हमला करन वाले जरवाणे दी कदे जड़ नहीं लगी रह सकती। सत संगत जी, इहो जे जालमां दीआं डणां धन गुरु रामदास साहब, धन गुरु हरगोबिंद साहिब और जिहड़े शहीद अपने सतगुरु दे उत्तों दी अपने सिधांतां दे उत्तों दी कुरबानियां करके शहादतां दा जाम पीण वाले है, वह अमरी रूहां ऐसे जालमां दीआं डणां कदे लगियां भी नहीं रहण दे सकदे। सो सात संगत जी, ऐसा वो महान घल्लू घर आ और तुसी देखो कि जदों सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते हमला होया तां 6 महीने भी जालम इंदिरा गांधी नूं राज दा सुख भोगण दा समा नहीं मिलिया, 6 महीने तो वध भी। और अंगे ने 9वें पातशाह जी नूं शहीद किया सी और जिस दिन शहीद किया उस तो अगली रात औरंगजेब दिल्ली दे तख्त ते एक पल भी सुख दी चैन दी नींद नहीं सौ सकिया। शहीद भाई मती दास जी गुप्त रूप दे विच जा के औरंगे नूं उहदे शाही पलंग तो पटका के धरती ते मारदे सन जदों उहदी अख लगदी सी। और कहिंदे सन कि ऐ जालम इस तख्त ते हुण तो सुख दी नींद नहीं सौ सकेगा जिस तख्त तो तू 9वें पातशाह जी नूं शहीद किया है। और इतिहास है कि औरंगजेब लम्मा समा मुड़ के दिल्ली विच नहीं रह सकिया और दिल्ली छड के उस नूं नरंगाबाद दे विच जाना पिया। औरंगाबाद दे विच अपनी जिंदगी दे अखीरले दिन बड़ी भयानक बीमारी दे नाल शहीदां ने ऐसा कहर वरताया कि औरंगजेब तिल तिल करके बड़ी भयानक बीमारी दे नाल तड़फ तड़फ के मरिया। शहीदां ने कमौते मौत उस नूं मारिया। जरूरी नहीं कि शहीद सिंह प्रतख रूप दे विच भी अपनी कला वरतौंदे है। कई बारी जिवें शहीद भाई बेअंत सिंह, भाई सतवंत सिंह, भाई केर सिंह उन्हां दे सिरां दी असवारी करके शहीदां ने इंदिरा गांधी तो बदला लिया। कई बारी शहीद सिंह ऐसे जालम नूं किसी होर रूप दे विच भी दंड अते सजा दे के उस तो बदला जरूर लैंदे है। सो सत संगत जी, इस कारण जयकार कियो धर्मियां का पापी को दंड दियो ए, पापियां नूं हमेशा वाहिगुरु दे दर तों बड़ी भारी सजा मिली है। सो आओ आपां अपने प्यारे शहीदां दी याद विच जुड़ के बैठे हाँ।
मन बिरती नूं अकागर करके सतगुरु जी दे गुर इतिहास की कथा आप संगतां सरवण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जैत शिंगारू जुग सिख भारी। साध संगत जी मैं इत्थे भी गल कह दिया कि जे रशिया ने उस हरिमंदर साहब के हमले की ब्यौंत बनाई, एक उस महापुरख नूं शहीद करने लई हर साजिश घड़ी, तां रशिया अज कैसी दुर्गत दे विच अपना समा गुजार रहा। रशिया विच रहण वाले लोग जाणदे ऐ कि जिहड़ा रशिया अमेरिका तो बाद दूजे नंबर की दुनिया की सुप्रीम पावर सी, अज वो रशिया टुकड़े टुकड़े हो चुका है। उस रशिया की अज कोई एक पावर नहीं रह गई। जिन्हां जिन्हां ने भी ऐसिया बनतां बनाईयां, जिन्हां जिन्हां ने भी ऐसे बहुत वड्डियां गहरियां साजिशां रचियां, उन्हां नूं जरूर उस पाप का फल भोगना पै रहा ते भोग चुके हन। इसलिए सत संगत जी उन्हां शहीदां दे नाल जिन्हां लोकां ने मत्थे लाए, वह सुख ते चैन की नींद नहीं सौं सके और उन्हां दा मनसूबा धरे दा धरिया रह गया संसार विच। जिहड़ी पार्टी दे लोकां ने सोचिया सी कि असीं अपना राज बना लवांगे सारी सृष्टि विच सारे दुनिया विच, अज उन्हां लोकां नूं अपनी होंद बचाउण दे लाले पए होए है कि असी अपनी पार्टी की होंद नूं किवें बचा के रख सकांगे। ऐसी उन्हां दी दुर्दशा होई है। केवल धन गुरु रामदास जी दे घर नाल और धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे स्थान श्री अकाल तख्त साहब नाल और महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी नाल टक्कर लैण दा इह बजाना उन्हां नूं भुगतना पिया है। सो सत संगत जी आओ मन बिरती नूं अकागर करो। आप संगतां धन गुरु अर्जन देव साहिब जी दे इस गुर इतिहास की कथा सुनो। धन गुरु अर्जन देव जी दे पावन चरणा विच भाई जैत अते भाई शिंगारू ये दो सिख सतगुरां दे दर्शन करन आए हन। जोधा बड़े निरभय उपकारी। ये बड़े बड़े जोधे बहादुर सूरमे हन, बड़े निरभय हन, कोई डर भय इन्हां दे नेड़े नहीं आ सकदा। ते उपकारी भला करन वाले है, पर उपकार करन वाले गुरसिख दा हिरदा मोम नालों भी कोमल है। जे गुरसिख जंग दे विच जोधा हो करके जालम नाल मत्था लाउंदा तो उत्थे सिख किसे दुखी ते इन्ना तरस करदा, इन्ना करणा दे विच आ के भर जांदा कि किसे दीन दुखी दी सहायता लई अपनी जान भी सिख नशावर कर दिंदा। नहीं तो जिहड़े लोग मरन मारन वाले हुंदे आ उन्हां दा दिल पत्थर वर्गा कठोर हुंदा, उन्हां लोकां दे अंदर दया नाम दी कोई चीज नहीं होया करदी। आ कसाई लोग है जिहड़े जीवां नूं मारदे है ना, उन्हां दे अंदर दया नाम दी कोई चीज नहीं होया करदी। पर जिहड़े गुरसिख जोधे है जिथे वह बलि हन, आत्मक तौर ते बहुत वड्डे बलवान हन, जरवाणे नाल मुकाबला करन समय भय भीत नहीं हुंदे, निरभय हो के डट के मुकाबला करदे है, उत्थे भाई वह परोपकारी भी हैं, दुखिया का दीना का वह भला भी करते हैं। जे किसी जाति धर्म नाल महापुरखों का विरोध हुंदा तां कदे गल ना कहिंदे, कपूर थले तो हिंदू वीर आए कहन लगे साडी रामायण की बड़ी भारी बेदबी कर दिती, किसी दोषी वालों रामायण नूं साड़ दिता गया और सरकार दोषियों नूं पता होने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं कर रही और साढ़े पास केस लड़न दे लई एक रुपया भी नहीं। तो महापुरखों ने साध संगत जी उस वक्त उन्हां समयां विच 5000 रुपया वकीलों की फीस दिती और प्रशासन नूं फोन करके ताड़िया, दोषियों की गिरफ्तारी होई और उन्हां दे खिलाफ उन्हां हिंदू वीरां ने केस लड़िया। ये मीडिया के एक हिस्से ने बहुत गलत प्रचारिया कि संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा हिंदुआ दे विरोधी सन, हिंदुआ नूं वो मारना चाहते सन। ये गल कतई भी नहीं। सत संगत जी
जदों कोई बंदा किसे गल दी अपनी प्रतिक्रिया प्रगट करता तो उसका जवाब उस रूप विच देना हुंदा। एक सदाचारक सिद्धांत है, असूल है, नीतिगत नहीं इनू कह सकते, एक सिद्धांतक गल है। जे भजन लाल ने गल कही सी के हिंदुस्तान दे विच जिहड़े सिख है वह मुठ्ठी भर है और कहिंदे सैकड़िया हिंदुआं नू एक एक सिख आउंदा, जे सिख ज्यादा रौला पाउणगे तां सिखां नू असीं जिउंदा नहीं छड्डांगे। उदों फिर संतां ने जिहड़ी उहने किरिया प्रगट कीती अपने मुखों प्रतिक्रिया दे रूप दे विच जवाब दित्ता कि जे तू ये गल सोचदा ना कि सिखां दा असीं मलिया मेट मिटा देंगे, सिखां नू हिंदुस्तान दे विच्चों दबा देंगे मार देंगे, ये गल भुल ना जाई कि तुसी भी सिखां नू छत्ती छत्ती दी गिनती दे विच ही आउंदे हो एक एक सिख नू, ते सिखां ने लखां जरवाणियां नू मारिया, एक एक सिख ने हजारां ही जालम तुरकां दे नाल मुकाबला कीता। जे कोई जरवाणा ऐसी सोच रखेगा ना ते फिर उस लई सिख लिहाज भी नहीं करनगे। वो एक पोलिटिकल बंदे दा जिहड़ा बयान सी ना जिन्हें सिखां लई नफरत उगली सी, नफरत दी अग उगलछी सी, उसका जवाब दिता गया सी संतां वल्लों। जवाब देण दा महापुरशां नूं ए मजबूरी उन्हां नूं ए लहजा वरतना पिया सी। सिखां दी इज्जत, सिखां दा मान, सिखां दा स्वैमान रखना सिख कौम दे आगुआं दा ए मुढ़ला फर्ज होया करदा। जिस कौम दी तुसी अगवाई करदे हो उस कौम दीआं सेवावां, उस कौम दे फर्जां दा ख्याल रखना भी फर्ज होया करदा। इस करके संतां ने ओह तां प्रतिक्रिया जाहर कीती सी। और भजन लाल ने बड़े जुल्म कीते सन, सिखां दीआं लड़कियां नूं नंगियां करके बाजारां दे विच घुमाया, निर्दोष सिखां दे वाल पुट्टे गए, केस कतल करके उन्हां ते जबर जुल्म हरियाणे विच कीते सन, तां उन्हूं इह जवाब दित्ता सी महापुरखां ने। वरना महापुरशां दा ना हिंदुआं नाल विरोध, ना मुसलमानां नाल विरोध, ना ईसाइयां नाल कोई नफरत, उन्हां दा नरोल जबर और जुल्म नाल उन्हां ने टक्कर लई है। जे हिंदुआं दे नाल उह नफरत करदे हुंदे तां ब्राह्मण परिवारां दे सिख उत्थे महापुरशां दे नाल रह के शहीदियां ना दिंदे। बाबा मोहर सिंह जी, ज्ञानी मोहर सिंह जी, सूरो पड्डे वाले, वो सारे पंडित परिवार विच्चों सन, छोटे छोटे बच्चे उन्हां दी संगनी, अते वो आप उत्थे इस घल्लूघारे दे विच शहीद हो गए। होर भी सिंह सन। इस करके साध संगत जी, मैं ये गल तां कहनी चाहुंदा कि ये उन्हां लोकां ने ही संत बाबा जरनैल सिंह जी प्रति नफरत का बीज बीजिया सी, जिन्हां ने हरिमंदर साहब ते हमला करवाया और उन्हां लोकां ने यह गल प्रचारी के संत हिंदुआं दे विरोधी सन। यह गल कतई नहीं हो सकती कि संत हिंदुआं दे विरोधी सन। संतां कोले तां बहुत हिंदू परिवार सन जिहड़े उन्हां दी संगत करदे सन, जिहड़े उन्हां दे रोजाना दर्शन करदे सन और जिन्हां नालों बहुत प्यार करदे सन। सो साध संगत जी, बहुत हिंदू परिवारां दीआं लड़कियां नूं उन्हां ने वसाया और बल्कि एक हिंदू परिवार दी लड़की नूं छड्ड दित्ता गया। संतां ने लड़के दे और लड़के दे परिवार नूं और लड़के नूं बुला के एक गल कही, कहण लगे अज तों बाद एक गल ख्याल नाल समझ के सोच के अपने दिमाग विच इह गल पा लो कि लड़की अज तों मेरी है, मेरी धी है। हिंदुआं दीआं धीआं नूं उन्हां ने अपनियां धीआं बनाया ते इस लड़की वल कदे कहरी नगाह नाल नहीं वेखणा, प्यार नाल रहो। जे कोई तुहानूं लोड है, जे तुसीं भुखे हो ना दाज दे, जिन्ना पैसा चाहीदा मैनूं कहो, मैं सारा देण नूं तैयार हाँ। गड्डियां कारां चाहीदियां उह दे दिन्ना, जमीन चाहीदी उह दे दिन्ना, पैसा चाहिदा पैसा दे दिन्ना, सोना चांदी चाहिदा सोना चांदी दे दिन्ना,
पर लड़की का दुख मैं नहीं सहार सकता। सत संगत जी सारा कुछ एक हिंदू लड़की नूं वसाउण लई निशावर करन लई तैयार हो गए और उस बच्ची नूं अपनी धी बना के तोरिया। इन्ना वड्डा उन्हां दे हिरदे विच प्यार और स्नेह सी मनुखता दी खातर प्राणी मात्र दे लई दुखियां मजलूमां गरीबां दे लई ते फिर उन्हां नूं कोई किवें कह सकदा कि वह हिंदुआं दे विरोधी सन। ये उन्हां लोकां ने गल प्रचारी सी जिन्हां ने हरिमंदर साहब ते हमला किया। संतां दा मैं फिर कह दिया जबर जुल्म दे नाल ही उन्हां ने लोहा लिया। संत संत हर धर्म का हर कौम का हर मजहब का सत्कार करन वाले सारे लोकां दे सांझे वह मसीहा रूप दे विच उन्हां ने कौम की पंथ की दुनिया की मानवता की उन्होंने सेवा की है। सो साध संगत जी आओ वो इन्ने परोपकारी सन। परोपकारी जिहड़ा हुंदा ना सूरमा वो जिथे जालम लई जरवाणा बन के टक्करदा उत्थे मजलूम लई उहदा राखा बन के भी उहदी सहायता करदा है। इस करके जोधे जिथे बहादुर शूरवीर सन बड़े निरभयता वाले सन उत्थे परोपकार भला करना दुखियां दी मजलूमां दी रखिया ते सहायता करनी इन्हां गुणां दे भी ये धारनी सन। श्री अर्जन तन संग उचारा धन गुरु अर्जन देव जी नूं उन्हां ने बेनती कीती महाराज साडे ते भी कृपा करके कोई उपदेश दिओ। तां धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने कहा कि गुरसिखो तुहानूं इही उपदेश है इही साडी शुभ सिख्या है कन्न दे के सुनना करो। हम स्वरूप जो खस्टम तारा जदों असीं छेवां स्वरूप धारण करांगे छेवीं जोत दे रूप विच धरै शस्त्र दे दुष्टन दंड उदों शस्त्र भी धारण करांगे ते जालमां नूं दुष्टां नूं डन्न भी सजा भी देंगे। करै तुरक गन को खंड खंड जिहड़े तुरक जालम जुलम करन वाले है जुलम करन वाले तुरकां नूं हुण साईं मियां मीर भी तुरकी सी पर ओह धन गुरु अर्जन देव जी का सेवक सी। इस करके हमजा जड्डा ये भी मुसलमान सन सतगुरु जी दे सेवक सन बहुत सिख सन पर जालम जिहड़े तुरक है महाराज कहिंदे उहनां नूं टुकड़े टुकड़े करके मार देंगे। आयुध विद्या कर अभ्यास शस्त्र विद्या का अभ्यास करावांगे अपने सिखां नूं मीरन की मीरी ले पास जेडे अमीरी है ना राजियां कोले जिन्नी दौलत जिन्ना साजो समान जो कुछ भी राज शक्ति दा प्रतीक है महाराज कहिंदे ये सारा जंगा युद्धां दे नाल मीरां दी मीरी लै लवांगे अपने सिखां दी झोली विच मीरी भी पावांगे। शब्द प्रीत कर चित इम दे मीरी की आ खालसे नूं सिखां नूं महाराज ने कोई भुखे नंगे नहीं एक भुखिया नंगियां दी कौम नहीं साजी ये पंथ साजिया देण वालियां दा किरत विरत कर धर्म दी हत्थों दे के भला मनाए। महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी कहा करदे सन से कोई भखे भुखे नंगे जां साध संगत जी भखारियां दी कौम नहीं ये तो दस गुरु साहिबाना ने दातियां दा पंथ साजिया दूजियां दी मदद करदे आ दूजियां दी सहायता करदे आ हत्थों दे के भला मनाउण वाले है शुकराना करन वाले है। इस करके महाराज जी ने अपने सिखां नूं मीरी दित्ती है बादशाह बनाया दुनिया दे शाहूकार बनाया शहनशाह बनाया और ये अपने सिखां दे उत्ते महान रहमतां सतगुरु जी ने कीतियां। महाराज कहिंदे अमीरी जिहड़ी है पातशाही जिहड़ी है जां बादशाहत है जिहड़े तख्त ताज है ये शस्त्रां तो बिना नहीं कदे प्राप्त होंदे ये शस्त्रां दे आसरे जंग युद्ध लड़के ही इन्हां नूं लिया जांदा और प्राप्त कीता जांदा है। तख्तां ताजां दे वारस जरवाणियां नाल जंग युद्ध लड़के ही वह प्राप्त किए जाते हैं तख्त मल्ले जाते हैं। इस करके इस ढंग दे नाल मीरी भी लै लवांगे बादशाहत भी खो लवांगे वड्डे वड्डे जरवाणियां कोलों। शब्द प्रीत कर चित इम दे और चित नूं गुर शब्द दे विच दे करके ला करके
गुर शब्द दा नाम दा बाणी दा बार बार अभ्यास करके साधन करके बंदगी करके भगती करके तप करके पीरन की पीरी हर ले जेडे पीर पूजा कराउंदे आ ना लोकां तो मत्था टकाउंदे अपनियां शक्तियां दा जलवा दिखाउण दा दावा करदे आ अपने सिख नूं भगती बंदगी दे जरिए इन्ना बलवान इन्ना मजबूत कर देंगे रिद्धियां सिद्धियां दा मालक अपने सिख नूं बना देंगे कि वड्डे वड्डे पीरां दी पीरी खो लवेगा वड्डे वड्डे पीर भी जदों सिख दी करनी वेखणगे ना वह भी सिख दे अगे आके झुकणगे भाई सुंदर शाह जदों बाबा विधि चंद जी सुंदर शाह दे कोले गए उन्हूं डर पै गया कि इहदी तां इत्थे मेरे इलाके विच लखनऊ दे इलाके विच महाराज जी ने प्रचार करन भेजिया सी बड़ी पूड़ा होण लग पई है अपनी पीरी दा जलवा दिखाउण वास्ते शेर ते सवारी करके आया बाबा विधि चंद जी नूं डराउण लई कि मैं इन्ना शक्तिशाली पीर हां एडा करामातियां कि मेरी असवारी शेर बन जांदे आ शेरां ते मैं सवारी करदा ते तू मेरे मूहरे की बाग दी मूली है जिहड़ी तू पूजा कराउण लग गया पूजा तां संगतां करदियां सन सारे लोग टुट के बाबा विधि चंद जी दे चरणां विच आउण लग पए पीरां दी पीरी खोह लई सतगुरु जी दे बचनां दे प्रताप नाल जदों शेर ते चढ़ के सामने आया ना बाबा विधि चंद जी ने इको बारी निगाह भर के गहरे नेत्रां दे नाल जदों शेर वल तकिया ना शेर उत्थे बिल्ली मंगू खड़ गया उत्थे रुक गया सिंह बुलाई होए गयो तृण मेर दखीता जिहड़ा शेर सी ओह बिल्ली बनाता सुंदर शाह बड़े मंत्र पढ़े बड़ा शेर नूं पैर भी मारे उत्ते बैठा आडियां भी बार बार मारे पर शेर गां नहीं तुर सकिया वेख लिया के मेरे तो वध शक्तिवान है उसे वक्त ही शेर तो उतरिया आके लम्मा पै के डंडौत करके नमस्कार कीती यूं सिखा ने शब्द की कमाई बंदगी भगती करके सतगुरु दे दर तो सारिया शक्तियां भी प्राप्त कीतियां महाराज कहिंदे अपने सिखा नूं शब्द दे नाल जोड़ के नाम अभ्यास नाल सिमरन नाल जोड़ के इन्ना शक्तिवान बना देंगे वड्डे वड्डे पीरां दी पीरी खो लवेगा ते सिख एवें पखंडियां दे मगर जाके नक रगड़दे फिरदे आ भुले होए भटके होए तुहानूं महाराज जी ने सारे ही खजाने दिते आ तुसीं मेहनत करो मशक्कत करो सब कुछ तुहानूं प्राप्त होएगा गुर शब्द दी कमाई करो नाम दी कमाई करो बाणी दी कमाई करो सेवा दी कमाई करो सारा संसार तुहानूं घर विच बैठिआं नूं पूजेगा बाणी विच एड्डी वड्डी शक्ति है एडियां वड्डियां बरकतां हन साध संगत जी ए सिंह अजे भी मौजूद है महापुरशां कोले एक सिंह अपनी छोटी उम्र दे पचंगी नूं लै के आए और उन्हूं मिर्गी दा दौरा पैंदा सी कहण लगे जी मिर्गी दा दौरा पैंदा बड़े इलाज कराए ठीक नहीं होया संत बाबा जरनैल सिंह जी दे सामने वो बच्चा मिर्गी दा ऐसा चक्कर आया घमेर खा के धरती ते डिग पिया मूँह दे विचों झग आउण लग गया उह सिंह कहिंदा महापुरखो एडा भयानक दौरा अज तक नहीं पिया मिर्गी दा जिहड़ा हुण पै गया मेरा बच्चा नहीं हुण बचेगा संत कहिंदे सिंघा ठहर धीरज कर गड़बा भाई गुरमुख सिंह कोलों फड़िया जल चुली विच लै के उहदे मूँह दे उत्ते जल दा छट्टा मारिया उसे वक्त पचंगी उठ के बैठ गया वाहिगुरू वाहिगुरू करदा यह हुंदी है सतपुरशां कोले नाम दी कमाई नाम दी बरकत नाम दी शक्ति गुरबाणी दी करामात हुंदी है इस करके साध संगत जी और कहिंदे पीरां दी पीरी भी खो लवांगे असी रिप को लबण खात है जो जिहड़ा राजे दा लून खांदा उहदी नौकरी करदा उहदी फौज विच निज शरीर को अर्प है सोए जिस मालक दा लून खांदा जे किते मालक ते बिपता आ जाए ता महाराज सिख्या दे रहे भाई जा को लून खाइए ता को छोर कबहू ना जाइए दसवें पातशाह जी दे श्री दसम विच बोल बचन हन के जिहदा लून खाना उहदे लई लून हलाल करना हराम नहीं करना लून साहिब दा खाए कै
रण अंदर लड़ मरे सो जापे, सिर वड्डे हथियार कर वरियामा वरियाम संजापे, जिदा लून खादा उदी खातर सिर भी देना। भाई गुरदास जी कहिंदे निमक हलाल करना हलाम नहीं हराम नहीं करना के मालक नूं बिपता पै जाए, साहिब संकट वै सेवक भज्जै, चिरंकाल ना जीवै दो कुल लज्जै। मैं उन्हां सिंघां नूं अज रोम रोम करके नमस्कार करदा जिन्होंने संत बाबा जरनैल सिंह जी दे बचना ते अपने प्राण निशावर किते इस घलूकारे विच। आपां सारे नमस्कार करिए उन्हां नूं। संतां ने हमला होण तों दो दिन पहला सारे जत्थे नूं बुलाया, कल्ले कल्ले नूं केसरी सिरोपाउ दित्ते और कहण लगे सिंघो तुसी मेरे नाल रह के बड़ी सेवा कीती, मेरियां खुशियां लईयां, आग्या विच रहे, मैं तुहानू बेनती करदा कि मेरे तो जीवन विच बड़ियां भुल्लां चुकां होईयां होणगियां, किसे दा दिल दिखाया गया होवेगा, कोई ऐसा बचन निकलिया होएगा और तुहाडी सेवा विच भी बहुत कमियां रह गईयां होणगियां, मैं तुहाडे सारिआं तों हथ जोड़ के खिमा मंगदा। इन्नी निमरता दी मूर्त सन संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी। कहिंदे मैं तुहानू इह बेनती करनी चाहुंदा कि हुण समा बहुत भयानक आ गया, जंग लग जाणा, इत्थे शहीदियां होणियां, ते जिहड़े सिंघ अपने घरां नूं जाणा चाहुंदे आ आराम दे नाल, मेरी उहनां उत्ते भी खुशी है, तुसीं अपने घरां नूं चले जाओ। मेरे कोले जिन्हें रहना जिन्हें शहीदी देनी है ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਉਹ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਧੰਨ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਸਨ, ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਸੁਭਾਗ, ਇਸ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਤਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਪੱਸਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡਾ ਤਨ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਧੁਰੋਂ ਵਰੋਂ ਸਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣਾ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਬਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰਪ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੈਂ ਹਮ ਸੁਖ ਦੈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਾਂ ਭੁਗਤ ਉਤ ਮੁਕਤੀ ਪੈ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ,
परलोक दे भी सारे सुख मुक्ति आदिक प्राप्त होंगे। महा घोर कल युग को काल, ये कल युग दा जिहड़ा समा बड़ा घोर भयानक तो भयानक है, और ये कल युग दे समय विच घोर भयानक पाप ही पाप वरत रहे हन। निज सिखन हम लेहे संभाल, आखो भाई वाहिगुरु महाराज कहिंदे ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਇੰਨੀ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਮ ਅਬ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਟਿਕ ਰਹੀ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰ, ਖੇਤ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੈ ਦਾਨ, ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਲਹੀਏ, ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਯੁੱਧ ਕੋ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਰਚਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਚਣਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜੰਗ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਤੁਰਕਨ ਹਤੋ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰ ਧਰਕੇ, ਤੁਰਕਨ ਹਤੋ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੋ ਮਾਨਤ ਭਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ, ਸਿਰ ਚੁਕਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਢਿੱਗ ਚੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਰਹੇ ਸਮੀਪ ਸ਼ਸਤਰ ਧਰ ਸੂਰੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰਤਿਆਰ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ। ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਤਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਾ ਸਿੱਖੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਪਕ ਤਬਰਾਰ ਤੀਰ, ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਜਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਪੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਜਨੀਕ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪੂਜਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਸਤਰ
गुरसिख नूं अपनी जान नालों भी वध प्यारे रखने चाहीदे ऐ। कितक काल बीतो ढिग रहे, इन्ना समा सतगुरु जी दी हजूरी विच सेवा करदे रहे। ले प्रवानगी गुर के कहे, गुरु महाराज जी दे कहण तों आग्या लैके अपने घर नूं कुछ समय लई गए इह फेर। अपने सदन रहे दोए मास, भाई जैत भाई शिंगारू दो महीने अपने घर विच जाके रहना कीता जाके आए। एक जोगी मिल कर तिन पास, इन्हां नूं एक बड़ा रसैनी जोगी मिलिया जो रसैन विद्या दा बड़ा माहर सी। भयो प्रसन्न रसायन दीन, ओदी इन्हां ने सेवा कीती संत जान के। गुरसिख साधु संत दी गुरसिख दी संगत दी सेवा करदा, संत जान के उदी सेवा कीती, लंगर छकाया, जल पानी वस्त्र यथा शक्त सेवा करदे रहे अपने घर विच। ओ इन्हां दी सेवा तो प्रसन्न हो के उसने इन्हां नूं रसायण दित्ती, एक नुस्खा दित्ता बनाया होया। एक बिल भरयो हरख कर लीन, ओ एक साध संगत जी मिट्टी दे कुजे विच ओ सारी रसायण बना के ढक के इन्हां नूं उसने ए नुस्खा बड़ा कीमती बना के देना कीता अपने कोलों। सो विचार कर ढिग लै आए, और वो विचार करके तो सारी जुगती पुछ के ओ जेड़ी कीमती नुस्खा सी ना रसायण दा बनाया होया ओ इन्हां ने आप नहीं वरत्या, क्योंकि सिख कीमती तो कीमती वस्तु गुरु नूं भेटा करदा। सब तो कीमती वस्त्र, सब तो कीमती पदार्थ, सब तो कीमती कोई भी वस्तु है वो अपने सतगुरु नूं भेटा करनी श्रद्धा नाल, सत्कार नाल, भावना नाल। सिंह साहब महाराजा रणजीत सिंह जी वर्गा कोई विरला ही सिख सी, उन्हां दे तोशे खाने विच उन्हां दे दरबार विच दुनिया भर की जिहड़ी सब तो मुल कीमती वस्तु आई उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदर साहब धन गुरु रामदास जी के चरणों में भेटा की। कोई राजा है उन्होंने तो बाद अज तक होया? सिख तो उन्होंने भी वध तनाड बैठे दुनिया में अज भी, पर बेशकीमती वस्तुआं अपने खजाने दियाँ धन गुरु रामदास जी के चरणों में भेटा कीतियां। अज ताई उन्हों का नाम धन गुरु रामदास जी के चरणों में सदा गूंजदा। इस करके भाई अपने सतगुरु का जिथे तक हो सके, जेडे लोग कहिंदे भेटा ना चढ़ाओ आ ना करो वो ना करो, अज पता लग गया कि गुरद्वारियां दे विच चढ़िया होया चढ़ावा ही दुनिया लई काम आया। लंगर चले संसार भर विच, ये गुरु की गोलक दा ही प्रताप है। गुरु किया गोलकां करके दुनिया भर विच अज लंगर चले महामारी विच, ते दुनिया में सिखां दा नाम रोशन होया। अमेरिका वर्गे राष्ट्रपतियां ने, विदेशां दे राष्ट्रपतियां ने, इस हिंदुस्तान दे वड्डे वड्डे बुद्धिजीवियां नूं इह गल कहनी पई कि दुनिया में जे दान देना तां गुरद्वारियां नूं दान दिओ। और राष्ट्रपति अमेरिका दे ने इह गल कही, कहिंदा हर दुनिया दे मुल्क दे विच, हर दुनिया दे मुल्कां दीआं स्टेटां दे विच एक एक गुरद्वारा होना चाहीदा। गुरद्वारे कम आए महामारी दौरान, दुखियां दी सेवा लई होर कोई कम नहीं आया। गलत प्रचार करके एवी गलत भुलेखे पैदा करी जाने, भाई गुरु महाराज नूं भेटा करनी है साडा फर्ज है, असीं बंदे नूं नहीं गुरु नूं भेटा कर रहे हैं। ये गुरु दे खजाने, गुरु दी सेवा विच मानवता दी प्राणियां दी दुखियां दी सेवा विच ही सफले हो रहे हैं। सो इस करके इन्होंने सब तो कीमती अमोलक वस्तु जान के सतगुरां दे पास ही लैके आए। गुर खस्टम को सो अरपाए, ओ रसैन दा जिहड़ा बड़ा वड्डा साध संगत जी अमोलक खजाना सी, जिहड़ा ओ बर्तन सी ओ सतगुरु जी नूं लिया के श्री अकाल तख्त साहिब भेटा कर दिता। लगे सुनावन गुण एह पारे, फिर जिवें ओ संत सन्यासी ने दस्या सी ओ सारे उस नुस्खे दे उस रसायण बनाई हुई दवाई दे बड़े भारी गुण दसे सच्चे पातशाह नूं भरे दीवान विच, वी महाराज जी दा आ गुण है, आ गुण है, इस काम आउंदी है। दयो सिख ने पारद मारे, हे महाराज जी ए पारा मार के सानू सिखां नूं किसे सन्यासी संत ने दिता है,
रसायन बना के दिती है बड़ी मेहनत दे नाल। बावन तोले रत्ती पाओ महाराज, बवंजा तोले तांबा होवे ना तांबा, ते उहदे विच एक रत्ती इस नुस्खे दे विचों ये रसायन कढ के उस बवंजा तोले दे तांबे दे विच मिला दईए, उहनूं ढाल के चंगी तरह अग दे उत्ते। सुंदर कंचन करत सुहाओ, तो बवंजा तोले जिहड़ा तांबा ना एक रत्ती पाउण नाल ही शुद्ध सोना बन जांदा। एडी वड्डी महाराज कीमती वस्तु है सोना बनाउण वाली, ए रसायण है महाराज जी। एक चावर पर नर जे खावे, ए कोई बंदा एक चौल जिन्नी ए रसायण खा लवे, सुदा सवा मन की हो जावे, ओ बंदे दी भुख सवा मन पदार्थ खाण दी हो जांदी है। जिन्हू भुख घट जाए ओनू प्रशादा भी चंगा नहीं लगता, थोड़ा खांदा, ते थोड़ा खाण नाल शरीर भी ताकतहीन हो जांदा, शरीर विच भी बल नहीं रह जांदा, ताकत नहीं रह जांदी, कमजोर पै जांदी है। दे इस करके महाराज समा मन भोजन की जिहड़ी निगर खुराक है वह खा के भी पचा सकदा, इन्ना इहदे विच गुण है। गज सम बल को धारण करे, हाथी जिन्ना एक बंदे विच बल आ जांदा इन्नी ताकत आ जांदी, इन्ना ताकतवर बन जांदा है। रोग सर्ब तन के पर हरे, और फिर ये खाण दे नाल उहदे शरीर दे जिन्ने रोग है ना ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਖਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਚਰਿਓ ਤਿੰਨ ਕੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਮਾਰਿਓ ਪਾਰਦ ਸਮ ਮਨ ਕੋ, ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਰੂਪ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਪਾਰੇ ਸਾਥ ਨਾ ਸੋ ਹਿਤ ਧਰਤ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਪਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਕੰਚਨ ਕਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਅਵਰ ਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਲਿਪਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰੂਪ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਅਨੂਪ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਨੂਪਮ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਜੀਵ ਬਣੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਨ ਮਾਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੀਵ ਉਲਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਉ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰ ਹੈ ਤੁਮਾਰੀ, ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਚਾਵਰ ਪਰ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਚੌਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਸਾਇਣ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਉੱਪਰ ਤਰੇ ਪਾਨ ਦਵੈ ਦੈਕੈ, ਦੋ ਕੋਮਲ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਕਰਿਓ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ।
इस करके गुरु साहब ने वह प्रवान की इन्हों की बेशकीमती लियांदी वस्तु पुन बिल अमृत सर महगेरा जेड़ा बाकी का बचा रसैन सी महाराज जी ने कह दिता भी गुरसिखो जाओ सरोवर दे विच पा दिओ हरिमंदर साहब श्री हरिमंदर साहब सरोवर दे विच ही सारा पा दिता जल विच मिला दिता अमृत रूप जल विच कर्म रात बातिन है उचेरा और इन्हां सिखां दा पहला नालों भी मरातबा उच्चा कर दिता ओहदा कर दिता गुरसिखां दी जोधियां दी फौज विच भाई जिहड़े कहिंदे आ अमृत सरोवर दे विच इशनान नहीं करना चाहीदा मीरी पीरी दे मालक ने दे विच रसैन पाई होई है जेड़ा इत्थे इशनान करेगा उहदे सारे रोग मिटने ही मिटने है संघ साहब ज्ञानी जसवंत सिंह जी कहिंदे मैनू भी कोई रोग सी संत कहिंदे वेखदा की है जाके सरोवर विच हुणे चुब्बा ला के आ अज तक भी उन्हां नूं जाके पुछ लो संतां दा वचन होया उन्होंने जाके चुब्बा लाया मुड़ के वह बीमारी नहीं रही उन्होंने शरीर विच एडी वड्डी सतगुरु जी दे उस अमृत सरोवर दी शक्ति है अत समीप अपने कर लीन अपने अत्यंत नेड़े इन्हां नूं रख लिया सेवा विच बख्शी शक्त महाबल कीन सतगुरु जी ने बहुत शक्तियां इन्हां नूं बख्श दित्तियां रिद्धियां सिद्धियां दे खजाने बना दिता बेअंत इन्हां नूं बलवान ए अगम्मी रूहानी शक्तियां दे इन्हां नूं भंडार बख्श दित्ते सच्चे पातशाह ने परे जहां तुरकन संग्राम जिथे जिथे भी तुरकां नाल जंग होए छेवें सरूप विच तह तह करे बड़े तन काम उन्हां जंगां विच जाके इन्हां जोधियां ने बहुत सूर वीरता दिखाई जालमां दे नाल लोहा लिया जंग युद्ध करके बहुत वड्डी वीरता दिखाई और छेवें सतगुरां दीआं इन्हां ने खुशियां और बख्शिशां प्राप्त कीतियां सो सत संगत जी गुर इतिहास इत्थे संपूर्ण है आओ सारे मन दीआं बिरतियां नूं एकागर करो थोड़े मिनट शहीदां दी याद विच मूल मंत्र वाहिगुरु मंत्र दा जाप करिए कोई रसना खाली ना रहे अज पंजवा दिन है घल्लूघारे का कल नूं शहीदी समागमां की संपूर्णता हो जानी है इस करके शहीदां दी महापुरखां दी मिठी याद विच आपां सारे कोई रसना वांझी ना रहे मूल मंत्र वाहिगुरु मंत्र दा एक सुर हो के जाप करिए एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच को अंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच
नानक होसी भी सच को अंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्भय अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु सात संगत जी दिनिया संगतां तुसी बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल शहीदी घलूकारे दे इन्हां समागमां विच शहीदी दीवानां विच एक जून तो लैके अज तक हाजरियां भरदे रहे हो तुहाडे सारिआं दे चरणां विच दास दी सनिमर बेनती है कि कल नूं 9:15 बजे श्री अखंड पाठ साहिबां दे भोग महापुरखां दी और शहीदां दी याद विच जो ये लड़ी 1 मई तो चल रही है ये भोग प्रारंभ होने हैं। 10 बजे श्री अखंड पाठ साहिबां दे भोग की अरदास होएगी उपरंत कीर्तन और कथा होएगा 1 बजे दे लगभग सारी समाप्ति है। सारिया संगतां भोग तो लैके 1 बजे तक समय सिर पहुँच के पाई सारिया ने शहीदां दी याद विच हाजरी भरनी है फिर सारिया ने लंगर छक के घरां नूं जाना ये दास की बेनती है। चेहरे बन के रखियो और जेड़े चेहरे नहीं बन के रख सकते हो थोड़ा थोड़ा दूर हो के बैठे हो ये जरूरी बेनती आप जी ने प्रवान करनी कि कल नूं सुबह असली तो शहीदां दे ये शहीदी समागम की संपूर्णता कल दे दीवान विच होनी है
यह शहीदी घलूघारे की संपूर्णता भी कल नू होनी है क्योंकि महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी की शहादत भी 8:45 ते होई और दूजे शहीद भी क्रमवार हौली हौली सारे समय नाल शहीद हो चुके सन। इसलिए भाई कल नू उन्हां समुचे शहीदां दी महापुरखां दी याद विच अरदास विच शहीदी समागम विच आप जी ने सारिया ने भोग तो लैके 1 बजे तक समय सिर पहुँच के हाजरी भरनी है। जिन्हां सिंघां ने जथे दे सिंघां ने लंगर की बड़ी चढ़दी कला नाल लंगर वरताउण दी और लंगर बनाउण दी सेवा कीती है, मैं उन्हां सारे सिंघां दा और बाहरों संगत दे विच्चों भी जिहड़े सिंह सेवा विच लगदे रहे है मैं उन्हां दा भी रोम रोम करके धन्नवाद करदा। जथेदार बाबा अजीत सिंह जी, भाई हरदेव सिंह जी बूढ़े नंगल वाले जो लंगर विच अठे पैर सेवा कर रहे है, अटारी वाले हलवाई सिंह जो सारिया सेवावां लंगर दे पदार्थ बनाउण दीआं रात दिन विचारे निभा रहे है, 1 तरीक तो लगे हुए हन उन्हां सारे सिंघां दा। इस तरह जथेदार भाई जरनैल सिंह जी का, ज्ञानी गुरसेवक सिंह जी का, इस तों अलावा डॉक्टर अवतार सिंह जी बुटर, भाई हर्षदीप सिंह जी, ये सारे नौजवान आपो अपनी थान से सेवा कर रहे हैं। और साडे जो दमदमी टकसाल चैनल दे ये सारे सिंह वीर इन्हां प्रोग्रामां नूं लाइव करन दे विच इन्हां ने बहुत वड्डी सेवा निभाई है, निभा रहे है। मैं इन्हां सारिआं दा और पत्रकार वीर सरदार जगदीश सिंह जी बमरा, भाई पाल सिंह जी, कैप्टन सिंह जी और जिन्हें भी सारे अखबारों के पत्रकार है इन्हां वीरां दा भी बहुत बहुत दिल की गहराई विच्चों धन्नवाद करदा। प्रिंसीपल सरदार गुरदीप सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्नवाद है और मास्टर जसवंत सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्नवाद है। सारी संगत का ही, इलाका निवासी, नगर निवासी, चौंक की संगत सब का ही रोम रोम करके बहुत बहुत धन्नवाद है। अज के समागम महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवालिआं दे सपुत्तर भाई साहब भाई ईश्वर सिंह जी पहुँचे है, संत बाबा सुरजन सिंह जी बताले वाले, संत बाबा सुरेंद्र सिंह जी टाली साहब वाले, संत बाबा सुखवंत सिंह जी चननकियां वाले और संत बाबा गुरदीप सिंह जी चननकियां वाले अते होर धार्मिक हस्तियां जिन्हें भी महापुरख पहुँचे है मैं सब दा ही रोम रोम करके बहुत बहुत धन्नवाद करदा। भाई अमरबीर सिंह जी ढोट प्रधान सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन मेहता, इन्होंने भी श्री अमृतसर साहिब शहर विच फ्लैक्सां दी सेवा कीती है, इस वेरी समागम सीमित रखे है, नहीं तो सारिया संगतां बहुत वड्डी सेवा करदियां हन इन्हां समागमां दे विच, इसलिए इन्होंने श्री अमृतसर साहिब फ्लैक्सां दी सेवा करवाई है। इस तरह भाई अमरजीत सिंह जी चहेड़ू, भाई दीपा सिंह जी कोटली, इस तरह भाई करमजीत सिंह जी डिप्टी परागपुर, इन्हां सिंघां ने लंगर दे विच बड़ी श्रद्धा नाल अपनियां सेवावां अर्पित कीतियां। भाई गुरदेव सिंह जी बढ़ियाणा वल्लों साध सिंह जी कल नूं रौ दा और इस तरह छबील की सेवा उन्हां वल्लों कीती जाएगी। खालसा अकैडमी वल्लों छबील की सेवा संगतां नूं ठंडा मिठा जल छकाउण की सेवा होएगी। इस तों अलावा बाहरले मुल्कां दे विच्चों इंग्लैंड दे विच्चों भी संगतां ने और अमेरिका चों चेचे तौर ते जथेदार बाबा धर्म सिंह जी जो गुरद्वारा श्री गुरु नानक प्रकाश ट्रेसी विखे उन्हां सारे स्थानां दा प्रबंध जथेबंदी वल्लों चला रहे है, उन्होंने भी बहुत सेवा की है। कनेडा तो भी भाई सरबजीत सिंह जी ढिलों, भाई मनधीर सिंह जी ढिलों, भाई जोरावर सिंह जी, इन्हों परिवारों ने भी अपना योगदान इन्हों सेवावां दे विच पाया है। सो अमेरिका तो भाई दलवीर सिंह जी टरलक जो अमर शहीद ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी चक राजू वाले जिन्होंने महापुरखों के नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहब महान शहादत का जाम पीता, उन्होंने सपुत्र भाई साहब भाई दलवीर सिंह जी टरलक वाले, उन्होंने भी लंगर की सेवा दे विच चल रहे अखंड पाठां दे प्रवाह विच अपना योगदान पाया।
भाई दलवीर सिंह जी मंटिके वाला परिवार उन्होंने भी बड़ी भारी सेवा की है। जिन्हिया भी संगत ने देश विदेश तो सब ने बहुत सेवा की है। इसे ही तरह साध संग जी भाई परमजीत सिंह जी पट्टी जो लाइव चैनलों के नाल बहुत वड्डा सहयोग करते हैं, मैं इन्हों सारयां दा बहुत बहुत दिल दियां गहराइयां विच्चों धन्नवाद करदा। हुण समा अगे जाण दी आग्या नहीं दिंदा, हुण अरदास होएगी। अरदास तो उपरंत श्री मुखवाक और प्रिंसीपल गुरदीप सिंह जी कुछ बेनतियां करनगे, उपरंत जथे दे छोटे छोटे भटंगी है उन्हां दी बड़ा उत्साह उन्हां दे मन विच कविता पढ़न दा। छोटे छोटे भटंगियां ने जथे दे सिंघां ने तुहानू कविता सुनाउणी है, बड़े प्रेम नाल देव वरतदियां कविता भी सुननी है। उस तो उपरंत सत संगत जी आप जी वास्ते शहीदां वल्लों ये गुरु का लंगर तैयार है। शहीदां दा लंगर समझ के तुसी सारयां ने लंगर छक के बड़े प्रेम दे नाल फिर घरां नूं जाणा। मेरे नाल मेरे सनमुख सत्कारयोग ज्ञानी जस्सा सिंह जी बैठे है जो इन्हां दिनां विच रोजाना हाजरी भर रहे है, मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा। ज्ञानी हीरा सिंह जी मनहाले वाले, भाई हरचंद सिंह जी, भाई गुरदीप सिंह जी, सारे सिंघां दा बहुत बहुत धन्नवाद। भगत सुच्चा सिंह जी जो सिंघां नूं गुरबाणी की संथ्या कराउंदे है, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਜਹਾਂ ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਰਾਮੂ ਤਹ ਤਹ ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਕਾਮੂ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਿਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹੇ ਮਯਾ ਧਾਰ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾਂਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬਮੈ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਹੋ ਬਨਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤ ਹੈ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨੇਧਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉਂ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਇ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਮ ਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ, ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੋ ਅਗਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ
नानक दास सदा कुर्बानी तुद आगे अरदास हमारी जियो। कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ ना जाने। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु 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 अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक नहीं त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरी है घर नव निदावै धाए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई होए सहाय दसा पातशाही अध्यात्मिक स्वरूप धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन उपदेश जी का ध्यान धरके बोलो जी। आप जी दे साजे नवाजे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जना नाम जपिया वंड के छकिया देख जलाई देख वाही देख के अंडर कीता तना प्यारियां सुचारियां दी पान पुत्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंघा सिंघणियां धर्मे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े तां नारियां नाल चरवाए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां। धर्म नहीं आ रहा सिक्खी केसा सुवासा संग निभाई तना पुरातन ते वर्तमान समय दे समूह शहीदां दी पुत्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख हुए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख देख फतेह बिरदगी पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। आप जी दे सिखां दा मन नीमा मत उची मत पादे राखी आप अकाल पुरख वाहिगुरु जी है। अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जियो समूह गुरद्वारियां गुरतामा दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे माण सतगुरु नेताणिया दे तान सतगुरु नियोटिया दी ओड़ ने आसरिया दे आसरे धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जीओ महाराज। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे पावन पवित्र चरण कमलों पास अरदास बेनती है। धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। आप जी दे कर कमलों तो वरुसाई दमदमी टकसाल दे चौदवें मुखी अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवालिया दे अबाले अते तिन्हां दी अगवाई हेठ सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब विखे समूह शहीदां दी पवित्र याद नूं मनाउंदिआं दमदमी टकसाल दे मुख केंद्रीय स्थान गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश महिता विखे सतगुरु जी अज पंजवें दिन दे शहीदी दीवान आप जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सजे हन। सतगुरु जी सजे हुए दीवाना अंदर आप जी की पुत्र बाणी के कीर्तन उपरंत महापुरखा वालों गुर इतिहास कथा विचार मूल मंत्र गुरमंत्र के जाप हुए हैं। सतगुरु जीओ आप जी की बाणी पढ़द्या कीर्तन करद्या कला कथा विचार करद्या मूल मंत्र गुरमंत्र के जाप करद्या हुई अनेक प्रकार दुला आप जी ने कृपा करके बख्श देनिया अगां वास्ते समत बख्शिश करनी गुरबाणी कथा कीर्तन का भाव दराइया संगत हिरद्या वसाणा उन्हें महान सूरबीर योध्या के पाए हुए पूर्णिया के चलन का बल बख्शिश करना। सतगुरु आप जी ने कृपा करनी है रेंदे शहीदी समागम अपनी दया दृष्टि अंदर आप निर्विघन संपूर्ण करवा लेने आप जी ने कृपा करनी सजे हुए शहीदी दीवाना में दूरों नेड़े संगत ने हाजरी ही भरी है। सतगुरु जी हाजरियां दर प्रवान करनिया दरों घरों गुरसिखी नामदान दियां दातां बख्शिश करके निहाल कृतार्थ करना। सतगुरु आप जी ने दया करनी दमदमी टकसाल की दमदमी टकसाल के मुखी संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा भिंडरांवालिया की चढ़ती कला करनी जथेबंदी वालों चल रही समुचिया सेवावां आप जी ने अपनी दया दृष्टि अंदर आप निर्विघन संपूर्ण करवा लेनिया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी सजे हुए शहीदी दाना नूं मुख रखदे आं आप जी की पान पित्र हजूरी उत्ते पित्र कड़ाह प्रसाद की देख सजा के हाजिर है। सतगुरु जी अज की देख की सेवा भाई सरबजीत सिंह जी ढिलों भाई मनधीर सिंह जी ढिलों कनेडा निवासी भाई जोरावर सिंह कनेडा वासी मास्टर जसवंत सिंह जी भाई जसप्रीत बसप्रीत सिंह भाई सिमरनजीत सिंह शमशेर सिंह भाई मेजर सिंह तजिंद्रपाल सिंह गुरविंदर सिंह सुखदेव सिंह भाई सतनाम सिंह बापू कृपाल सिंह
ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤਦਾਨ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੋਟ, ਸਰਦਾਰ ਆਰ ਅਵਤਾਰ ਬੁੱਟਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਚੈਂਚਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਲਹੋਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਦਰੋਂ ਕਰੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖ ਸਜਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀ, ਆਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਿੱਤਰਾ, ਹੁਣ ਲਾਭ ਭੋਗ ਹਰਾਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਕਾ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਪ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਨ ਪਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਉ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੂਜ ਹੈ, ਖੂਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਬਚੇ ਸਰਣ ਜੋ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰਬਾਰ ਉਤਾਰਨ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵ ਦੇ ਗੁਰਬਾਰ ਉਤਾਰਨ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਨਾ ਤਿਸ ਕੁਟੰਬ ਨਾ ਤਿਸ ਮਾਤਾ, ਏਕੋ ਏਕ ਰਵਿਆ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਹਮੈ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਛ ਨਾ ਚੱਲੈ ਤੁਰ ਖਸਮ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਸਾਚੇ ਤੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੈ ਹੈ, ਸਾਚੈ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਾ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦੇ ਸਾਚ ਕਮਾਏ, ਅੰਦਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਤਨ ਸਾਚਾ, ਭਗਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ
पसरी जो ये आले दुआले सब कुछ है भयानक रूप का वो प्रथाए फैसला करते हैं। पहली मई तो इतने पाठ आरंभ ने ते पहली जून तो ही इतने समागम जिता अगे होया करते हैं। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवादी उन्होंने परंपरा हालातों मुख रख के कायम रखी आ सानू मरदे मुजाज संत बाबा जरनैल सिंह जी अमर शहीद उन्हां दी जात उन्हां दी अगवाई थले शहीद होए श्रोमणी सिंह ते लुकाई जिन्नी भी सी उन्हां दी सिमरति च समां दित्ता शब्द विचार करके गुरबाणी का इतिहास सुना के गुरसिखां दी जीवनियां सुना के मैं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ सारी संगत वालों बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। जिमें कि पहले दस्या गया कि आप दमदमी टकसाल टीवी जो ने यूट्यूब दमदमी टकसाल टीवी यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते क्योंकि कतरता तो परहेज थोड़ा जहा किया जा रहा कतरता तो परहेज किया जा रहा। कल 6 जून है संगत आस तो वध भी आ सकती है किवें भी आ पर जिहड़ी संगत विछड़ के इतों अड अड हो के डिस सोशल डिस्टिंग कैम रख के बाहर घर के मैदानों से बह के रुखा से बह के बरांडे च बह के घर रह के यूट्यूब ते जां इस तरह इस मीडिया राही आनंद माण सकती वह भी माणे ता कि असी सब हालातों का टाकरा ठीक रूप से कर सकी जेडे तुम भी 5 दिन हाजिरी भरी आ तुहाडा भी सब का बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद है। संक्षिप्त समागम कर लेने क्योंकि अज कवितावान से कीर्तन फेरा रास्ता पाठ होना मैं महापुरखों का धन्यवाद करदा 14वें मुखी मरदे मुरझाए संत जरनैल सिंह जी हुणा दा सिमरती हाथ जोड़ के मूल मंत्र के पाठ अगे भी किए हूँ भी वाहेगुरु कृपा करे ते महापुरखां नूं वर्तमान महापुरख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा जी नूं लम्मी उम्र ते गुरु दी सेवा इसे तरह सानूं उहनां दा लड़ लावे। आओ दास लोग 5 दिन बोलदिआं भुल चुक जे कोई होई है ते माफ़ कीता जावे नहीं तो सोशल डिस्टिंग के बारे में जरूर स्टैस दे रहे वेखो अज आउंदिआं गेट ते सैनीटेट भी किया गया सोशल डिस्टिंग दे रखनी है जे कोई आके लाके बह जाता आप उठ के परे हो जाना सोशल डिस्टिंग मास्क पहन के ते फिर डट के ते एकाग्रचित हो के द्वारा हाजी लगानी है। वाहेगुरु कृपा करे आग्या बख्शो दास जी खिमा करन वालियां जो कुछ है संगत कर सकती है खिमा करनी है गलतियाँ आग्या बख्शो जी ना मैं बोल देवा खीर च उन्हें सब गुरमुख प्यारियां ते जिन्हां ने दर्शन दा दे के संगत नूं सुशोभित होकर कृपा की है। भाई ईश्वर सिंह जी सपुत्र अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी पिंडरां वालियां दे सपुत्र ने संत बाबा गुरमीत सिंह जी बद्दोवाल संत बाबा सुरजन सिंह जी बताला संत बाबा सुरिंदर सिंह जी टाली साहब संत बाबा सुखवंत सिंह जी चन्नन के संत बाबा गुरमीत सिंह जी चन्नन के भाई अमरबीर सिंह जी ढोट प्रधान सिख स्टूडेंट फैडरेशन भाई हीरा सिंह जी मनियाला सरदार मंगल सिंह जी बटाला ज्ञानी यशपाल सिंह जी बूढ़े लंगा इन व्यक्तियों का सारी संगत का धन्यवाद आग्या बख्शो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कलगी धर दशमेश पिता दी सुन लो सिबत सुनावा जेड़े उसने चोजन कीते संगता दे विच गावा ओ योद्या विचो योदा सी ओ रही पर आपर सामी कर गया मी धर्म दी पक्की दान पुत्रा दा दानी चमकौर लीचो तीर चल दे जावण वैर मकौंदे गुमटी उत्तो सतगुर बुझण जेड़े अगे आउंदे और रोता दे तारा दे सत्तर जिस दे जान मछानी कर गया मी
धर्म दी पक्की धन पुत्रा दा दंदी नंदपुरी नू छड़ के सतगुर आ गए सरसा कंडे आनंदपुरी नू छड़ के सतगुर आ गए सरसा कंडे मुगला ते सिंघा दे खड़के रण तत्ते विच तखंडे राती आवे जीबा कटिया छुके ते गमयानी कर गया मी धर्म दी पक्की धन पुत्रा दा दानी गुरु नानक जी बूटे जेड़े तुर गया पुलड़ा के कर गया मी धना दी पक्की खून पुता दा पाके रोता देता आदे इसले जान मशानी कर गया मी धर्म दी पक्की धन पुत्रा दा दानी चमकौर गली चो तीर चल दे जावण वैर मकौंदे घुमटी उत्तो सतगुर बुझण जेड़े अगे आउंदे और रोता दे तारा दे पत्थर जस दे जान निशानी कर गया मी धर्म दी पक्की धन पुत्रा दा दानी चमकौर गली चो तीर चल दे जावण वैर मकौंदे घुमटी उत्तो सतगुर बुझण जेड़े अगे आउंदे और रोता दे तारा दे पत्थर जस दे जान मशानी कर गया मी धर्म दी पक्की धन पुत्रा दा दानी कर गया मी धर्म दी पक्की धन पुत्रा दा दानी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। सतगुर आगे सीस पेट देओ सीस पेट देओ जे सतगुर साचे पावे जे सतगुर साचे पावे गुर पारस हमलो गुर पारस